देखा जाए यहाँ पे संभाग के करीब हमारे ये विधानसभा लगता है जिसको बोला जाता है स्मार्ट शहर लेकिन स्मार्ट शहर सिर्फ नाम में है वो काम में नहीं है ये सीखो कमाओ है मेरे पास दो दो डिग्रियाँ मैं मजदूरी करने जाऊँगा चार सौ रुपये आठ हज़ार महीने में इससे अच्छा मैं किसी के यहाँ तगारी उठा लेता हूँ जाके जैसे कि अभी मेडिकल कॉलेज अपने सीहोर में आया था शिवराज जी उनको बुद्धि ले गए शिवराज जी को बुद्धि ले जाने की क्या जरूरत थी तो सीहोर के लोगों को पागल खाना देगा क्या हमें क्या पागल समझ रखा है आपने नमस्कार आप देख रहे हैं लल्लू राम का स्पेशल प्रोग्राम पब्लिक मीटर और पब्लिक मीटर में इस वक्त हम आ, मौजूद हैं सीहोर विधानसभा में और यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ जनता कितनी खुश है वर्तमान जो विधायक हैं क्या नाम है आपका बंदी सिंह भारती भारती जी ये यहाँ पर क्या विकास हुआ कोई विकास नहीं हुआ सर क्या यहाँ के यहाँ के युवा बहुत परेशान है बेरोजगार है यहाँ पे कैसे धंधा उद्योग स्थापित नहीं है क्या रोज़गार नहीं मिलता है क्या यहाँ के लोग तरह तरह कर रहे हैं और उसके बाद थोड़े बहुत कई रोड बने तो वो भी फूट फूट गए और रेलवे जो पुलिया है कैसे भोपाल ना कैसे आके मुल्ली वार्ड नंबर सात की उस जो पुलिया जो बारिश में कैसे कूल रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है और जो, जो आम जनता बहुत परेशान है तो शासन प्रशासन तो बड़े बड़े वादा वादा करता है कैसे औ, और उसका डरोरा पीटता है लेकिन जमीनी हकीकत पर यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं जो जनता खुश रहे यहाँ पे सड़कें तो काफी अच्छी बन गई है सड़कें 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 सा, खाने की चीज थोड़ी है उद्योग तो उद्योग है जो जीवन से जुड़ा है रोज क्या? जो जीवन से जुड़ा है उसको रोजगार मिलना चाहिए उसको उसको मान सम्मान की जिंदगी मिलना चाहिए रोजगार के माध्यम से उसको रो, रोजगार मिलेगा तो कम से कम दो वक्त की रोटी मिलेगी तो कम से कम रोड बिजली स्मार्ट सिटी ये सब उसको शोभा देगी बिल्कुल आपका कहना है कि युवाओं के लिए रोजगार मिलना चाहिए और स्थायी रूप से ताकि कारखाने डाल सके नाम धर्मेंद्र कचनेरिया क्या देखते हैं आप इस विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास हुआ है सर इस विधानसभा में विकास के लिए जो है कि सिर्फ बड़े बड़े जो है कि आश्वासन दिए जाते हैं बड़े बड़े घोषणाएं करी जाती हैं यहाँ पे बेरोजगारी इतनी चरण सीमा पे के घर घर पे अभी शायद जहाँ पे प्रेजेंट या जो विधायक है वो कभी घर घर जाके देखे तो प्रत्येक आदमी जो है कि अस्सी कर्जे में लिप्त है सर ये कंडीशन चल रही हमारा विद्युत विद्युत से लेके खाने का तेल पीने का तेल जलाने का तेल और दूसरी कंडीशन जो है कि यहाँ पे जो है कि उद्योग के मामले में कोई भी इंडस्ट्री कोई कॉलेज कोई बड़ा स्टूडेंट और जहाँ की देखा जाए यहाँ पे संभाग के करीब हमारे जो विधानसभा लगता है जिसको बोला जाता है स्मार्ट शहर लेकिन स्मार्ट शहर सिर्फ नाम में है वो काम में नहीं है यहाँ पर ये कंडीशन चल रही है कि बेरोजगारी के कारण यहाँ के हमारे युवा यहाँ के बड़े बड़े शिक्षित समझदार लोग आज चौरायों पे दस दस बीस बीस रुपए का नौकरी करें आप चाहते हैं कि रोजगार के लिए यहाँ पे कुछ होना चाहिए यहाँ पे इंडस्ट्री डलना चाहिए इस विधानसभा में एक नहीं छः छः इंडस्ट्री डलना चाहिए जिनमें एक एक इंडिस्ट्रिक के अंदर कम से कम पाँच पाँच हजार दस दस हजार लोग काम करें जो शक्कर फैक्ट्री और बड़े बड़े उद्योग यहाँ पे लगे हुए थे वो खत्म कर दिए गए यहाँ पे जो ऑयल प्लांट बोलते हैं जिसको सोयाबीन प्लांट बोलते हैं उसको भी जो है कि यहाँ पे बेच दिया गया है यहाँ के पूंजीपतियों को मुख्य रूप से बेरोजगारी है आप क्या देखना चाहते हैं बेरोजगारी तो पूरे सीहोर ज़िले के अंदर क्या पूरे मध्य प्रदेश में है बेरोजगारी सीहोर में सबसे ज़्यादा है क्योंकि ना तो यहाँ कोई इंडस्ट्री भी नहीं है यहाँ पे कोई भी उसके बावजूद जो सरकार वायदे करती है कि हम यहाँ शिक्षा अच्छे दे रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि पिछले दो साल से ट्वेल्थ एलेवन की बच्चियों को आज तक वजीफा नहीं मिला और स्कूल में जो फीस लगती है एडमिशन फीस वो भी बहुत ज़्यादा है अगर नाइन्थ तो में बच्चा अगर एडमिशन लेने जाता है तो उसके लिए मतलब अट्ठारह उन्नीस सौ रुपए की फीस लेते हैं उसके बावजूद बजीफा तो कोई बजफे के नाम पे खाली सरकार की घोषणा है और रोजगार के नाम पे बिल्कुल जो भी है यहाँ पे सीहोर के अंदर लोगों को गुमराह करा जा रहा है जैसे सड़क की आपने बात रखी थी अभी सरकार अभी तो युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना भी शुरू की है। सीखो कमाओ योजना के कम से कम तीन महीने से फार्म भरा रहा है मैंने खुद अपनी बच्चियों का सीखो कमाओ में फार्म भरा है लेकिन आज तक कोई योजना नहीं है क्योंकि सरकार का काम है जनता का ध्यान भटकाना जो बीजेपी सरकार है वो सिर्फ जनता का ध्यान भटका रही है जैसे सीखों कमाओ में फार्म भरा रहे हैं बच्चों ने पैसे भी उसमें दिए फार्म भरने के पैसे लगते हैं और लाल ली बहना है उसमें भी बहुत बड़ी धांधली हुई है अभी साढ़े चार सौ में जो उनने गैस सिलेंडर सरकार ने करा वो भी आज तक नहीं मिला उसके भी लगभग एक महीने से ग्राम पंचायतों में फार्म भरा जा रहे हैं क्योंकि विकास के नाम पर सिर्फ बीजेपी जो सरकार है यहाँ सीहोर के सीहोल में जबकि मुख्यमंत्री सीहोर गृह जिले है उसके बाद भी यहाँ कोई विकास की जरा सी भी आपको रफ्तार नहीं दिख रही है हमारे साथ में कुछ युवा हैं हम युवाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में क्या विकास को किस तरह से देखते हैं पहले तो मैं आपका जवाब देना चाहूँगा आपने बोला सरकार सीको कमाओ चला रही है सीको कमाओ में कितना पेमेंट दे रही है और क्या काम करवा रही है पता है ये पूरा डिटेल दी है सरकार ने इससे अच्छा विद्यार्थी मतलब डिग्री लेकर सीखो कमाओ में मजदूरी करने जाए ये सीखो कमाओ है मेरे पास दो दो डिग्रिया है मैं मजदूरी करने जाऊंगा चार सौ रुपए आठ हजार महीने में इससे अच्छा मैं किसी के तगारी उठा लेता हूँ जाके सरकार डिग्रियां दे रही है हम खुद हमारे पैसों से डिग्रियां ले रहे हैं हम इतना सब कुछ सीख रहे हैं कॉलेज जा रहे हैं कॉलेजों की कंडीशन जाके देख के आओ कॉलेजों में क्या है और इतना आप, आप जो प्रदेश सरकार ने जो युवाओं के लिए योजना है क्रियान्वयन कर रहे हैं उससे आप खुश नहीं है खुश आप बताइए अगर किसी को अच्छा कुछ सीखने को मिलता है तो मैं मान सकता हूँ वहां पे आप फैक्ट्री में भेजते हो मैं नट बोल्ट बना ले मैं डिग्री लेके मैं नट बोल्ट बनाने जाऊंगा क्या इंजीनियरिंग की डिग्री लेके मैं नट बोल्ट बनाऊंगा मैं जाके तिगारियां उठाऊंगा ये योजना है सरकार की सरकार की जो योजना है कहीं ना कहीं युवा जो है वो अपना दर्द भी बयां कर रहे हैं हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आ, क्या मानते हैं आप विकास को देखिए मैं विकास की बात बाद में करूँगा मैं छात्र हूँ छात्र नेता हूँ तो छात्रों की बात पहले करूँगा सीहोर में शिक्षा ज़ीरो परसेंट पर है हम हमने आज से दो साल पहले करीब करीब दो साल पहले लॉ कॉलेज के लिए मांग उठाई थी हमने लॉ कॉलेज के लिए काफ़ी प्रदर्शन करे सब कुछ किया हम पे लाठियाँ बरसाई जाती हैं छात्रों की आवाज़ को उठाना हमारे मध्य प्रदेश में गुनाह है शिवराज सिंह जी हम हम पे हम, हम, हमें भांजा कहते हैं और हम पे लाठियाँ देते हैं तो हम छात्रों के साथ छात्रों की आवाज़ को बुलंद करते हैं हमारा मानना ये है जैसे कि अभी मेडिकल कॉलेज अपने सीहोर में आया था शिवराज जी उनको बुद्धि ले गए शिवराज जी को बुद्धनी ले जाने की क्या ज़रूरत थी तो सीहोर के लोगों को पागल खाना देगा क्या हमें क्या पागल समझ रखा है आपने हमें पागल समझ रखा है सीहोर की जनता पागल है क्या आपके बुद्धि के लोग सब हैं और लाडली बहना की बात करते हैं तो लाडली बहना भी ये बात समझ चुकी है कि हमारे लाडले भाई को हमारी इस चुनाव के समय में याद आई है लाडली बहना भी इस बार मुंह तोड़ उनका जवाब देने को तैयार है दो हजार तेईस में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस युवा जो है कहीं ना कहीं जो शासन की ओर से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है उससे खुश नजर नहीं आ रहा है क्या नाम है आपका शुभम त्यागी किस तरह से देखते हैं आप यदि हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में किस तरह के विकास देखने को मिलेगा देखो सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान की 18 साल से निकम्मी सरकार के रूप में काम कर रही है युवा बेरोजगार है युवाओं को रोजगार नहीं है किसानों की उनको उचित दाम नहीं मिल पा रहा और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी आपने जो लाडली बहना योजना चलाई है 18 साल से लाडली बहना मर गई थी क्या जो आपको अब लाडली बहना की याद आ रही है तो ये सब चुनावी जोचले हैं सर और मैं आपको बात बता देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है बिल्कुल कहीं ना कहीं यदि हम बात करें वर्तमान सरकार की तो अभी ये खिलाफ बात कर रहे हैं मतलब सरकार ने इनके लिए शायद कुछ भी नहीं किया सीओर विधानसभा को आप किस तरह से देखते हैं क्या विकास मैं, मैं सीओर विधानसभा की बात करूं तो मैंने जब से होश संभाला पिछले पैंतीस साल से पूर्व विधायक वर्तमान विधायक इन लोगों की इच्छा नहीं है कि सीओर का विकास हो सीओर में किसी भी प्रकार सब में पहले शिक्षा के मामले में हम जीरो हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम जीरो है क्षेत्र के अंदर हम लोग बात करें सियोर विधानसभा की बात करूं मैं मैंने खुद सत्तर गांवों के अंदर जब दौरा करा था पदयात्रा करी थी हम लोग कंटिन्यू जो मान के लो पच्चीस से तीस किलोमीटर हम युवाओं ने संविधान संदेश पदयात्रा चालू करी थी हमने गाँवों की हालत देखी थी तो हमने जो आज से करीबन बीस साल पहले पच्चीस साल पहले जो स्थिति थी उसके अंदर मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत कहीं मॉडिफाई हो पाया होगा हो पाया होगा वरना कुछ भी किसी प्रकार पेगा तो मुझे बताइए रोड बनाने से ठीक है ना क्या उसे रोड बनाना विकास मानते हैं हम लोग विकास मानना है सब में बड़ी मूर्खता करती है तो वो करती है जनता मैं किसी विधायक किसी मंत्री किसी एजुकेशन सिस्टम को या किसी को भी मैं गाली नहीं दूंगा या किसी के विषय में कुछ गलत नहीं बोलूंगा जहां अगर कोई गड़बड़ है तो जहां की जनता है जो अपने मत का सही उपयोग नहीं करती है ये अपनी फीलिंग्स ऐसी जोड़ के बैठी हुई है उन जो भी प्रत्याशी रहते हैं जो भी विधायक रहते हैं उनके साथ अरे भाई साहब आ गए भाई साहब बुरा मान जाएंगे चाचा बुरा मान जाएंगे फलाना बुरा मान जाएगा वोट कर दो ऐसा कर दो ऐसा करो मतलब ये टोटल अगर इसमें अंदर अगर रोड खराब है शिक्षा का सिस्ट जो एजुकेशन सिस्टम खराब है जितनी भी समस्या है चाहे वो सीहोर की ले लो मध्य प्रदेश की ले लो संपूर्ण भारत वर्ष की ले लो अगर उसके अंदर कुछ खराबी है तो जहाँ की पब्लिक की खराबी है वो जो एजुकेशन जो मिलना चाहिए उसको जो चीज़ें होनी चाहिए वो खुद उस चीज़ों तक नहीं पहुँचना चाहता वो खुद कन्फ्यूज है कि हम जाएँ तो जाए कहाँ अभी हमने यहाँ पे सीहोर विधानसभा क्षेत्र में आ, कुछ लोगों से जाना और हम और भी हमारे साथ में आ, क्या समस्याएं हैं यहाँ पे या किस तरह से आप संतुष्ट हैं सर सीहोर में बहुत सारी समस्याएं हैं अगर देखा जाए तो अभी हम सीहोर विधानसभा का गांव है पथरी पथरिया गाँव उसके अंदर गए थे तो वहाँ पर मुर्दे जलाने के लिए सर शमशान ही नहीं है तो ये भी एक लोगों की बहुत बड़ी समस्या है गाँव की क्योंकि शमशान होना एक मेन चीज़ होती है और उसके साथ में अगर देखा जाए तो किसानों की बड़ी समस्या है अपने अपने क्षेत्रीय विधायक जी से मांग किए गए नहीं अभी तक तो हमने विधायक महोदय से कोई बात नहीं करी है सर इस विषय में मगर आपके माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं और उसके बाद में अभी किसानों के लिए बिजली इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी थोड़े दिनों में गेहूं के अंदर पानी का काम चलेगा तो उसमें सर क्या होता है कि जब लोग सर्दियों में अपने घरों के अंदर रहते हैं और रजाइयाँ ओढ़ के सोते हैं मगर अपने मध्य प्रदेश में सरकार ऐसी है कि उन टाइम में किसानों को दो बजे रात को बिजली देती है तीन बजे रात को बिजली देती है तो मैं ये चाहता हूँ कि किसानों को दिन के अंदर बिजली दी जाए ताकि समस्या ना हो और रही रोड की समस्या सर तो रोड अभी जैसे कि कुछ दिन पहले सीहोर से श्यामपुर के लिए रोड बनी थी मगर आज वो रोड की ऐसी समस्या है कि सर वो रोड थेगड़ों में तब्दील हो चुकी है अभी उसके अंदर थेगड़े लगाने का काम चल रहा है और भी गांव के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं पानी की समस्याएं हैं गांव में नल जल योजना खाली एक नाम की योजना है अभी तक गाँव के अंदर टंकियाँ नहीं बनी है और महिलाओं को अभी भी काफ़ी दूरों से पानी लाना पड़ता है घरों में कोई पानी की व्यवस्था नहीं है मैं यही कहना चाहूँगा सर अभी हमने जनता के बीच गए सीहोर विधानसभा क्षेत्र में कई लोग जो हैं वो जो विधायक हैं उनके कार्यों से खुश होते नजर भी आ रहा है और कई लोग नाराज भी यहाँ पे नजर होते आ रहे हैं लालू राम के लिए सीहोर से जी एस भारती की रिपोर्ट